तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल संसाधन विभाग में नियुक्ति की जाएगी, 4 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति होनी है। और इस बीच झारखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1 सप्ताह के प्रवास पर मोहन भागवत रांची में रहेंगे। 9 जुलाई को मोहन भागवत रांची आएंगे, 3 दिनों तक राष्ट्रीय प्रांतीय बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, झारखंड से विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे। तो 12 से 14 जुलाई तक प्रांत प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत रांची पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मोहन भागवत रांची पहुंच रहे हैं, 9 जुलाई को वो रांची आएंगे, क्या पूरी जानकारी और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, 9 जुलाई को 1 सप्ताह के प्रवास पर संघ प्रमुख मोहन भागवत झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। रांची राजधानी में इनका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगर कार्यक्रमों की हम बात करें तो सबसे पहले जो है 3 दिनों तक 9 से 12 तक कई पदाधिकारियों से बात करेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, कई विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद 12 जुलाई से 14 जुलाई तक जो प्रांत प्रचारक होते हैं, जो कह सकते हैं संघ की रीढ़ मानी जाते हैं जो प्रांत प्रचारक, उनके साथ बैठक करेंगे और कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो झारखंड दौरा है 1 सप्ताह का, वो काफी अहम है कई बिंदुओं पर देखा जाएगा। और आप देखेंगे तो झारखंड में समय समय पर आरएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं उनका दौरा होता रहा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव को भी देखते हुए बीजेपी का एक विंग माना जाता है आरएसएस, और उसको अगर हम देखते हुए दौरों को भी देखें तो काफी अहम है। और एक चीज इसमें और भी जुड़ता दिखाई दे रहा है कि 9 से 1 सप्ताह के दौरे पर मोहन भागवत होंगे, और 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, रांची में बैठक करेंगे। तो दोनों बड़े नेता, एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों राष्ट्र के बड़े नेता झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और कई विषयों को लेकर चर्चाएं होंगी। अब देखना होगा कि बैठक जब होती है आरएसएस की, जो बैठक होगी, बैठक के बाद जो चीजें निकल कर सामने आएगी उसमें क्या कुछ खास होगा। बिल्कुल राहुल, और पूरे 1 सप्ताह का यह कार्यक्रम तय किया गया है। 1 सप्ताह तक मोहन भागवत रांची में रहेंगे, पदाधिकारियों के साथ भी उसकी बैठक होनी है, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए रश्मि, जिस तरीके से झारखंड में एक तरह से कह सकते हैं कि आरएसएस का एक मजबूत विंग माना जाता है, अगर हम कोल्हान कह लें, संथाल कह लें, तो इस आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में आरएसएस जो है अच्छी पकड़ बनाकर काम करता है, इस तरह से कह सकते हैं, हिंदुत्व के मुद्दों पर चर्चा करता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिशनरी जितनी सक्रिय है झारखंड में, उसे कहीं तोड़ने का एक काम आरएसएस को सौंपा गया था और उस पर काम भी आरएसएस कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी कमजोर हुई है, 5 आदिवासी बाहुल सीटों पर जो बीजेपी को हार मिली है, उसके बाद से आरएसएस को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम हो सकता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करें। अब देखना यह होगा कि जो बैठक होगी इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रांत स्तर तक के नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और परिचर्चा होगी, और परिचर्चा के बाद किसे क्या क्या जिम्मेवारी दी जाती है वो बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि 1 सप्ताह का ये दौरा जो मोहन भागवत का है, कितना कारगर आरएसएस के लिए साबित होगा और बीजेपी के लिए साबित होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।